जिस तरह अभी आजम ने परफॉर्म किया, विक्टो के पीछे भी, विक्टो के सामने भी, हारिस विकेटकीपर बैट्समैन है, फिर अब्दुल असीम है, इससे कोई प्रेशर आया है रिजवान के ऊपर, बाबर आजम के ऊपर? अली बिल्कुल आया। देखें यार, बाबर दो मैचेस से तेज खेल रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, तो दुनिया कह रही है ना क्यों खेल रहा है, किसने बताया? अबे दो साल तक पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर दी तुमने, ऊपर खेल खेल के अपने आप को नंबर वन रख के जो अवार्ड लिए घर लेके चले गए हैं, क्यों खेल रहे हो? तेज कौन दिखा रहा है तुम्हें? मैं सायम अपना शॉट लेकर आया, दुनिया कह रही है नूल आसमानी किताब क्रिकेट की, वो कह रही है कि नो लुक शॉट। जो लड़का अपना शॉट लेकर आया है उसको आप कैसे पीछे करोगे, उससे मुकाबला करोगे? मुकाबले की फिजा बनाने के लिए आपको डोमेस्टिक भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो होमवर्क करके आया है भाई। ये उस्मान खान का पीछे होमवर्क है, ये जिसकी आप उमर बिन यूसुफ की आप बात, होमवर्क है यार अली, इनको तो मजे लगे हैं कि तुम्हें ओडीआई के लिए लिया था, तुमने हल्की वेस्ट इंडीज को ठोक दिए तीन सेंचुरी, उसके बाद तुम चौड़े हो गए कि मैं टेस्ट भी खेलूंगा, 20-22 इनिंग तुम टेस्ट में लेके चले गए, ठीक है, उसके बाद T20 में भी तुम्हें आगे पीछे करके खिला दिया गया, आखिरकार मिसबॉलर की कप्तानी में कोचिंग में तुम्हें मेकशिफ्ट बना के ऊपर किया गया, उसके बाद तुम ऊपर ही हो क्योंकि तुमने फायदा उठाया उस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान के पास आई नहीं कोई ऊपर रुकने वाला। मिसबॉलर को मैं कसूरवार इसलिए करार देता हूं कि जब से ये कप्तान बना है, मोहसिन भाई आएंगे उस दिन इस बात पे बहस होगी, मैं इस पर नहीं आ रहा, जब से ये कप्तान बना है, देखें यार आपके पास तौफीक उमर थे, इमरान फरहत की बेगम की तबियत खराब हुई, छुट्टियां लेके गए, वापस नहीं आए, तौफीक उमर की इंजरी थी, वो गए वापस गए, बाहर नहीं आए, वापस नहीं आए, उसके बाद से ओपनिंग स्लॉट दो नंबर खा कौन रहे पाकिस्तान के, यहाँ पर कंसिस्टेंट ओपनर क्यों नहीं है आपके पास, मुझे बताए, वो कभी रखे ही नहीं ना, उसकी वजह यह है कि बताने के लिए इनके ये हो के जब मैं आता था चार आउट हो चुके होते थे, अबे तुम बनाते ही नहीं ऊपर के लिए, बनाओगे तो ऊपर रुकेगा ना आदमी, आज तक वही चल रहा है, आज भी आपके ओपनर मेकशिफ्ट है।